एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर 5 डे योगा जर्नी। आई होप आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं। सो आज हम लोग अपने 3rd डे पे पहुंच गए हैं, जहां पे हम लोग अपने 5 नए पोजेस करेंगे। टुडे आई विल नॉट बी रिपीटिंग द प्रीवियस पोजेस, वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑल द न्यू पोजेस टुडे। आप सब देख सकते हैं कि आज मैं भी इंडियन अटायर में आई हूँ। दिस इज जस्ट टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू टू डू योगा, इवन इफ यू डोंट हैव एक्टिव और स्पोर्ट्स वेयर। वेस्टर्न वेयर की कोई जरूरत नहीं है योगा करने के लिए। आप घर पे जो पहन के हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वही पहन के आराम से घर में योगा कर सकते हैं। एंड आई एम डूइंग योगा टुडे इन द आफ्टरनून, नॉट इन द मॉर्निंग। दिस ऑल्सो प्रूव्स कि आप कभी भी योगा कर सकते हैं जब आपका मन चाहे, बस अच्छे से अपना फूड गैपिंग का टाइम मेंटेन कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट पोज हम लोग टेबल टॉप में चले जाएंगे। इसके प्रिकॉशन मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको अभी कंटिन्यू करना है, प्लीज गो एंड वॉच दैट सो दैट यू कैन कंटिन्यू राइट नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे अभी पूरा स्ट्रेंथ हम लोग अपने अपर बॉडी पे रखने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इनहेल पे वी आर गोइंग टू फ्लेक्स आवर टोज नाउ। लेट्स स्टे हियर, एक्सहेल। धीरे धीरे अभी अपने नीज को मैट से लिफ्ट करेंगे एंड देन पुश आवर हिप अपवर्ड्स, जिससे कि हमारा बॉडी एक उल्टा वी के पोजीशन में आ जाए। ओके, सो वी विल स्टे हियर, इनहेल एंड एक्सहेल पे स्टार्ट पुशिंग योर हिप्स अपवर्ड्स, नीज गो अप, विल स्टे हियर, कंप्लीट रिलैक्स्ड स्ट्रेचिंग पोजीशन है ये, विल स्टे हियर। इनहेल कीजिए आराम से, गर्दन में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्टे हियर, एक्सहेल, नजर अपने टोज की तरफ रखिए। इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल, एक्सहेल। ये हो गया हमारा पहला पोज। अभी इसी पोज में हम लोग रेस्ट ऑफ द पोजेस भी करेंगे। सो द नेक्स्ट पोज हम लोग को क्या करना है, ये आपको लेट गो द वेट ऑफ वन ऑफ आवर फीट एंड उस पैर को हमको ऊपर ले जाना है। ठीक है, सो वी विल कीप आवर लेग एंगेज्ड इवन व्हाइल आई एट इवन व्हाइल इट इज एट द टॉप। ओके, सो वी विल स्टे हियर, इनहेल एंड पुश योर लेग अप, जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना ही स्ट्रेच कीजिए, कहीं पे पेन फील नहीं होना चाहिए। स्टे हियर, एक्सहेल, कम बैक टू द मैट। विल डू दिस टू मोर टाइम्स, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम इनहेल, एक्सहेल डाउन। सी, अच्छा स्ट्रेच फील होना चाहिए। Start with the opposite side. Inhale, left leg goes up. Exhale down. Two more times. Inhale up. Exhale down. Last time. Inhale up. Exhale down. Okay. अच्छा feel हो रहा होगा आप लोगों को। अभी जाएंगे हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम लोग को क्या करना है, सेम वे से ऑपोजिट लेग राइट लेग ऊपर ले जाते हैं इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए। वी हैव टू पुट आवर राइट फीट आउटसाइड आवर राइट आर्म, राइट हियर। ओके, एंड इसी पोज में रहते हुए वी प्लेस आवर बैक नी डाउन ऑन द मैट, नाउ फीट गोज पॉइंटेड। सो दिस इज द नेक्स्ट पोज फॉर स्ट्रेचिंग। Okay, so there are 4 pointers which you have to keep in mind. Let's start. Inhale, right leg goes up. Exhale, first point, left hand ke bahar, sorry, right hand ke bahar, right leg raised complete. Aapka ankle secondly, aapke knee ke sides ke same line mein hona chahiye. Third point, the back knee goes down. And lastly, aapke toes pointed hone chahiye. We'll stay like this, eye level pe hum kabhi breathe, focus our gaze and we'll stay here. Inhale,
लेग्स। अभी ये ज्यादा इजी लग रहा है आपको, सो वी गो टू आवर एल्बोज फॉर बेटर स्ट्रेच। विल स्टे हियर, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट इनहेल पे अब धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे अपने पांच में। इनहेल, एक्सहेल, नेक्स्ट इनहेल पे द बैक फीट के टोज अभी पॉइंटेड, बैक इन टोज का पूरा वाइड लंज की पोजीशन में है हम लोग। एंड धीरे धीरे भी टेक आवर लेग्स अप अगेन, एक्सहेल, बैक टू डाउन डॉग, विल स्टे हियर, लेट्स गो टू द ऑपोजिट साइड, इनहेल, लेग गोज अप, फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट लेग आउटसाइड द लेफ्ट हैंड, सेकेंड पॉइंट नीज राइट अबव द एंकल्स, थर्ड पॉइंट द back knee drops, fourth point the back feet is pointed and completely is position to again the relax karenge, inhale and exhale. Dheere dheere agar aapko zyada easy lag raha hai, we come to our elbows also for better stretch. We stay here, next two breaths, inhale, exhale. Next inhale, you bring our palms back on the mat. Exhale, we stay here. Back knee goes up. Feet pointed. Next inhale, pe humare left leg wapas goes back, kicking it. Leg engaged. Exhale, we come back to down dog. We stay here. Completely relax करेंगे, अच्छे से आपको बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, hips pushing up towards more as much as you can. Next हम फिर से अभी राइट लेग को ऊपर पुश करेंगे हमारे फोर्थ पोजिशन के लिए, इनहेल, नेक्स्ट एक्सहेल पे क्या करना है हमको, हम अपने जो नेक्स्ट हमारे पोज है उसके लिए जाएंगे, विल टेक आवर राइट नी टू आवर राइट रिस्ट, दिस इज द मूवमेंट विच वी हैव टू डू, ओके. So we do again, inhale and exhale, rest your right knee on the mat right behind your wrist and push yourself back, apne feet ko abhi aap log pointed kijiye and dheere dheere, what should be your position, your front leg should be parallel to your mat, aap jahan pe bhi hai aapka jo leg ka area hai abhi front leg ka wo parallel hona chahiye, agar nahi ho raha hai jahan tak aapka body allow kare utna hi kijiye. We take an inhale, yahan pe inhale and exhale, completely release your upper body and stretch. We'll stay here for three breaths, inhale, exhale. Once more, inhale, exhale. Last time, inhale, exhale. Next inhale pe dheere dheere we come up, push up the body up and exhale pe you flex your back feet and push your body up and take your back leg, taking it upside, okay, perfect, and exhale down. यही चीज हम कभी दूसरे साइड करेंगे फॉर गुड स्ट्रेच ऑन द ऑपोजिट लेग और एज वेल, इनहेल, लेग गोज अप, एक्सहेल, लेफ्ट नी ऑन द मैट जस्ट बिहाइंड द लेफ्ट रिस्ट पैरेलल टू द फ्रंट ऑफ योर मैट, कंप्लीट, देखिए माय लेग इज कंप्लीटली पैरेलल टू द फ्रंट ऑफ द मैट, माय हैंड्स स्टेइंग राइट हियर, माय बैक feet is pointed. I'll stay here, inhale,
exhale, my upper body falls completely on your front leg and stretch front. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last exhale. Next inhale पे अब धीरे धीरे हमारे हाथ वापस प्लेस करेंगे. We'll get up. Inhale. Exhale, back toe points and come here. Completely down dog में relax हो जाएंगे. धीरे से we come back on our knees and we're done with the down dog. अब जो हमारा last pose है उसमें हम क्या करेंगे? We sit, sit, ऐसे ही बैठ जाएंगे. My legs are spread apart. अभी यहाँ से we'll bring our right leg down. यहाँ नीचे लाएंगे. We'll cross it. पूरा cross कर दिया यहाँ पे complete. And we'll place our upper leg or the left leg parallel सामने से. And we'll sit here, relax. Exhale. Next inhale में we'll fall on our right left side and stretch our right side of the body. So we'll go. Right hand goes up. Inhale. Easy लग रहा है, बहुत easy लग रहा है. Our hips should remain grounded first of all. And अगर आपको ये easy लग रहा है, आप धीरे धीरे अपने elbows को भी place कर सकते हैं नीचे. Inhale. Complete body stretch. Right side में. Exhale. नजर ऊपर की तरफ रहेगी. Inhale. Last time, inhale, exhale. Next inhale, come dheere dheere, we come back straightly on the mat. Inhale and exhale. Dheere dheere, apne bind ko khol denge, legs ke opposite side. Left leg comes down, my left heel is touching my right side of the hip area and my right leg comes and crosses over the right knee. ऐसे भी है, right knee अभी completely parallel है सामने. And stay here, inhale and exhale. Next inhale पे I'll fold over on my right side of the body, धीरे धीरे. And my left hand goes up. Inhale. Left hip area remains grounded. Exhale. Two more breaths. Inhale. Exhale. Last time. Inhale. This was it for today. We'll come back and bind ourselves. I hope आपको अच्छा लगा हो आज हमारा practice. And most of all, अगर आपको आज follow करने में दिक्कत हुई हो, please go and watch the other videos which we have already uploaded. I hope this practice helps you.